जिला यमुनानगर में एक और युवक के मर्डर केस का एक बड़ा मामला सामने आया है। दोस्तों, मैं इस समय की सीधी तस्वीरें आपको जगाधरी के भारत सेवक नगर से दिखा रही हूं और पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि उन्हें ऐसा अंदेशा हो रहा है कि रात को जो है उनके भाई का मर्डर कर दिया जाता है, लेकिन किस रंजिश के चलते ये हत्याकांड मामले को अंजाम तक पहुँचाया गया है, अभी तक ये सारा मामला जाँच का विषय बना हुआ है। भारत सेवक नगर पर यहाँ पर तमाम लोगों की जो भीड़ है, आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक युवक के हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया है। भारत सेवक नगर का रहने वाला युवक महिपाल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 33 साल की थी और जो ट्रक ड्राइवर का काम करता था। लेकिन पारिवारिक सदस्यों का दूसरी तरफ ये भी बयान सामने आता है कि किसी बात के चलते एक महीने से जो महिपाल है उसने अपना काम छोड़ रखा था और यहीं पर, जी हाँ, यहीं पर आप देख सकते हैं नीचे सैलून है और सैलून के ऊपर छत पर इस हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया है। वर्षा की गई कि उस महिपाल की जो है बहरेमी के साथ हत्या कर दी। मौके पर आप देख सकते हैं यमुनानगर के पुलिस महकमे की जितनी तमाम टीमें हैं, चाहे वो स्पेशल स्टाफ है, चाहे CIA 1 है, CIA 2 है, फॉरेंसिक टीम है, यहाँ पर अपने अपने तरीके से कार्यवाही करते नज़र आ रहे हैं। तो क्या रंजिश रही होगी, किस रंजिश के चलते हत्याकांड मामले को अंजाम तक पहुँचाया गया है, अभी तक ये सारा मामला जाँच का विषय बनकर सामने आ रहा है। पुलिस इस मामले में अब गहराई में जाकर तफ्तीश करने में जुट चुकी है। सैलून नीचे है, फुरकान हेयर ड्रेसर के नाम से सैलून है, दुकान है और ऊपर जो है इस हत्याकांड मामले को रात के समय अंजाम दिया जाता है। सुबह के समय लोगों को यहां पता चलता है। आप देख सकते हैं CIA 2 के जो इंचार्ज है राजेश, वो अपनी टीम के साथ, स्पेशल स्टाफ की जो टीम है, वो किस तरह से यहां पर आसपास जो घटनास्थल है उसका मुआयना करते नजर आ रही है। तमाम लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और इस समय यहाँ पर जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा गरमाया नजर आ रहा है। दोस्तों, आसपास एक सनसनी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं जो महिपाल की जो सिस्टर है, आज जो इनके ऊपर बीत रही है वो यही जानती हैं, क्योंकि अपने जीते जी इन्होंने अपने भाई को आज इस दुनिया से अलविदा कहते देखा। जी मैम, देख सकते हो कि किस तरह से, क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता, महिपाल आपका भाई था? हाँ जी। क्या हुआ है, किसने इस तरह से उसकी हत्या की है, क्या लगता है आपको? हमारी गली में रहता है वो लड़का। पहले उसने खाने के लिए पैसे लिए उससे और ईंटों के साथ मार मार के उसका सिर ही ख़त्म कर दिया उसने। आपको किसने बताया कि हमारे पास जिन्होंने देखा उन्होंने बोला भी ईंटों के साथ मार मार के तुम्हारे भाई को जान से मार दिया और मार के वो फरार हो गया लड़का। कितनी उम्र थी उसकी, महिपाल की? महिपाल की एज है 33। काम क्या करता था महिपाल? पहले वो ड्राइवरी करता था बट एक मंथ से वो यहीं पर बुढ़िया चुंगी पर यहीं पर काम करता था। अभी वजह नहीं पता चली कि किस कारण से। वजह कुछ नहीं थी, जिस लड़के ने मारा वो ड्रिंकर था, स्मैकर था वो, और उसको नशा करने के लिए पैसा चाहिए होता था और उसमें वो अपनी माँ को भी भूल जाता था और अपनी बहन को भी भूल जाता था। तो महिपाल का इसमें क्या रोल था? महिपाल का इसमें कोई रोल नहीं था, वो अपनी माँ के साथ लड़ा होगा, घर में खाना नहीं मिला, पैसे मेरे भाई ने दिए उसको खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद उसी ने इंटों से मेरे ही भाई को मारा। आखिरी बार महिपाल से भाई से कब बात हुई थी आपकी? मेरी तो 3-4 दिन पहले बात हुई थी। तो लग रहा था कि कोई परेशान है किसी कुछ बात भी नहीं परेशान नहीं तो उसने कहा था कि तू घर कब आएंगी, मैंने कहा रकड़ी पे आऊंगी। मैडम जी, मैं उसका ब्रदर हूँ, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हाँ, मैं महिपाल का ब्रदर हूँ, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हत्या की है जिसके ऊपर मार्केट बारे बोल रहे हैं जी? नहीं नहीं, जिन्होंने हत्या की है क्या कभी उसके बारे में महिपाल ने आपको बताया था, कुछ जिक्र किया था कि वो परेशान है या उसे परेशान किया जा रहा है? इकट्ठे रहते थे जी, अपना खाता पीते थे। परेशान नहीं था वो, हमेशा वो महिपाल को एक हफ्ता मैंने अपने घर रखा, सिर्फ खाने के चक्कर में, दारू के चक्कर में मेरे घर भी आया वो लड़का। मैंने इसको 2-3 बार बताया भी, राजू नहीं मिलेगा तेरे से, राजू 10 रुपये चाहिए, 20 रुपये चाहिए। मैं गया तेरे साथ नहीं रहा, इंसाफ से ये जो और कुछ नहीं चाहिए। अगर इसके बाद भी सरकार सॉरी फिर जनता भी अगर ना इंसाफ हो के क्या लगते हैं जी? जो उसकी सोचा था कभी इतना बड़ा हादसा हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। अगर ये देखते हैं कि सरकार चुप बैठती है तो फिर बेकार है ये। तो आप देख सकते हैं एक बहन ने किस तरह से अपने भाई को गवा दिया। दोस्तों, और अभी 30 तारीख को, जी हां, आने वाली 30 अगस्त को राखी का त्यौहार है, लेकिन आज एक बहन किस तरह से अपने भाई के लिए रोती बिलखती नज़र आ रही है। जिला यमुनानगर में बढ़ती गुंडागर्दी के चलते एक और नौजवान ने अपनी ज़िंदगी को गवा दिया और इस संसार से ही अलविदा कह दिया। और आप देख सकते हैं रात के समय यहाँ पर महिपाल के ऊपर जो है ईंटों के द्वारा पथराव किया गया। जो दुकानदार हैं, दुकानदार इस तरह से आरोप लगा रहे हैं और पारिवारिक सदस्यों को शायद
अंदाजा भी नहीं था कि रात के समय इनके पारिवारिक सदस्य का इस तरह से बेरहमी के साथ उसकी हत्या हो जाएगी। लेकिन सुबह आकर पता चलता है कि रात को इस हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया है। भारत सेवक नगर से मैं इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ और इस समय यहाँ पर एक दहशत का जो माहौल है वो चारों तरफ नजर आ रहा है। सनसनी जो है इस समय फैलती नजर आ रही है। लोगों के चेहरे इस समय बहुत ही ज्यादा मायूस होते नजर आ रहे हैं और पारिवारिक सदस्य जिला पुलिस प्रशासन के आगे इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तो मौके पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CTSHO जगाधरी जनक राज मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। एक बार जान लेते हैं क्या कुछ मामला सामने आया है और आने वाले समय में हमलावरों के खिलाफ क्या कुछ कानूनी कार्यवाही है वो की जाएगी। जनक राज जी, क्या मामला सामने आया है? जी, आज हम ना सूचना पा के यहाँ मौके पर आए थे बार सेवक नगर में, और ये राजू नाम का लड़का है और अपने ट्रक ड्राइवर का काम करता है, और बीती रात इसकी हत्या हुई है। तो आस पास से पूछताछ करने में पता चला भी रात एक दीपा नाम का लड़का था जो इसके साथ था, और इन्होंने दारू पी रखी थी। एक सालू नाम के लड़के ने गली में इनको छुड़वाया भी है, और उसके बाद फिर ये अपना ये दोनों इकट्ठे हो गए, और जो अपना इसकी बहन ने भी स्टेटमेंट दी है उसके बयान पे कार्रवाई कर रहे हैं और दीपा की तलाश कर रहे हैं। सर, मारने वाला जो हमलावर है जिसका नाम आप बता रहे हैं दीपा, वो यहीं का रहने वाला है? ये बार सेवक नगर का ही रहने वाला है। तो सर, वजह पता चली आखिरकार क्यों मारा गया उसे? नहीं, वो तो उसकी गिरफ्तारी पे ही पता चलेगी रंजिश क्या है। तो महिपाल इसी का ही नाम था, राजू का ही? सर जी, जो महिपाल सर, अभी तक तो आपने तस्वीरें देख ली होंगी, किस चीज से वार किया गया, किस तरह से हत्या की गई है? मौके पे देखने से इसके इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कानूनी कार्रवाई? हम परिवार के साथ हैं बिल्कुल, इनको किसी भी तरह से निराश नहीं करेंगे और जितनी जल्दी हो सके मुलजिम को गिरफ्तार करें। तो जिस तरह से शराब का सेवन कर रखा था, क्या कोई एविडेंस कुछ ऐसा बॉटल्स वगैरह कुछ मिला? वो हमने कब्जे में ली है मौके से, उसको भी जांच करेंगे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है मौके पे आए हुए हैं, उन पे अपना उनके निशान वगैरह देखें। कोई सर आपसी रंजिश बताई जा रही है पहले किस मामले में कोई आपसी? नहीं, अभी तक तो ये नहीं आई है। ये बोलते हैं अभी काफ़ी अपना साथ रहते थे और पैसे पूसे भी अपना जो मृतक है इसी से लेता था वो अपना खर्चे। नहीं नहीं, शादीशुदा। सर, सिर्फ एक लड़के के द्वारा इस हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया, मतलब दीपा जिसका नाम बता रहे जी? अभी तक तो दीपा जब तक काबू नहीं आता जब तक दूसरे के बारे में कैसे कह रहे हैं, उसके बाद की घटना है। चलिए, तो तस्वीरें मैं इस समय की आपको भारत सेवक नगर से दिखा रही हूँ, जहाँ पर एक दहशत का जो माहौल है यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिला है। यहीं के रहने वाले, जी हाँ, भारत सेवक नगर के रहने वाले एक दीपा युवक के ऊपर जो है पुलिस के साथ साथ जो पारिवारिक सदस्य हैं वो आरोप लगा रहे हैं। पहले तो दीपा और जो महिपाल है उसका नाम राजू भी अब सामने आ चुका है। दोनों ने पहले तो शराब का सेवन किया, क्योंकि पुलिस को ऊपर जहाँ पर हत्या की गई है महिपाल की, वहाँ पर पुलिस को नमकीन के जो खाली पैकेट हैं और साथ ही साथ जो शराब की बोतल है वो मिल चुकी है। फॉरेंसिक टीम उसके ऊपर फिंगरप्रिंट जो है वो जुटाकर अपनी कार्यवाही करती नजर आ रही है। लेकिन एक ट्रक ड्राइवर की निर्मम हत्या कर हत्याकांड मामले को अंजाम दिया गया है। इतनी बेरहमी के साथ हत्या की गई है कि जिसने महिपाल के शव को देखा है वो चौंक कर रह गया। जी हाँ, चौंकाने वाली घटना जगाधरी के भारत सेवा नगर से सामने आ चुकी है। CIA 1 CIA 2 यमुनानगर की और पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगातार कार्यवाही करती नजर आ रही हैं। अब हमलावर के खिलाफ क्या कुछ कानूनी कार्यवाही होगी वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक बड़ी घटना सामने आई है कि यमुनानगर में एक बार फिर से 33 साल के युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर हत्याकांड मामले को अंजाम तक पहुंचाया गया है। दोस्तों, आप लोगों से अपील करती हैं इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं ये भी आप लोगों से विनती करूँगी कि एक बार आप लोग जो हैं इस खबर को जो देख रहे हैं इसे इतना ज़्यादा शेयर करें कि जो गुंडागर्दी इस कदर बढ़ चुकी है, आने वाले समय में हमलावरों के खिलाफ जो है ऐसी घटनाएं एक सबक एक सीख बनकर सामने आ सकते हैं। तो अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें।